Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about the modern periodic table. Class हमारी second year का topic 1.2 है modern periodic table. पहले हमने Mendeleev periodic table देखा, उससे पहले जितने भी scientists थे उनका भी contribution था, वो हमने discuss किया था. अब modern periodic table है. Modern periodic table Moseley ही का basic जो वर्क था उसको जो एक्सटेंड किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वही है. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया या कैसे उनकी क्लासिफिकेशन की गई. सबसे पहली जो बात है इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये है कि उसको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर की बेस पर उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई किया गया. अब देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको देखा जाए तो सबसे पहले ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स की बात है कि जो वर्टिकल रोज हैं उन्हें हम ग्रुप का नाम दिया गया है. जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम पीरियड्स का नेम दिया गया है अब जो वर्टिकल रोज 1A से 8A तक ये थे हमारे पास तकरीबन 8 ग्रुप. अब इसकी डिग्री दी गई है वो 1A 1B इसी तरह 3B 3A 3B इनको जो जो टोटल हो गए हमारे पास 16 सब ग्रुप मिलकर ये मिल करके 16 सब ग्रुप्स हो चुके हैं टोटल 1A 1B 1 2A 2B इसी तरह से 16 सब ग्रुप्स हैं हमारे पास सब जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन हैं. अब जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये पीरियड्स कहलाती हैं. अब इसको ग्रुप्स को अंदर हम किसके अंदर लिखते हैं रोमन नंबर के अंदर लिखते हैं और पीरियड्स का हम अरबिक न्यूमेरल के अंदर लिखते हैं 1 2 7 इस तरह लिखते हैं. अब देखिए इसकी कुछ खसूसियात थी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स हैं कितने ग्रुप्स थे ये हमने बात डिस्कस किया कि ग्रुप कितने हैं हमारे पास ओवरऑल तो 8 हैं उसकी जो सब डिवीजन की गई है तो इस तरह जो टोटल हो गया हमारे पास 16 सब ग्रुप हो चुके हैं. अब देखिए 7 पीरियड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. 7 पीरियड सबसे पहला देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल नंबर बाय पीरियोडिक 1 टू 7 ये इसकी डेफिनेशन है. अब देखें इसकी कुछ खासियत ये हैं फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं. पीरियड फर्स्ट इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट. सबसे शॉर्टेस्ट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं ये दो शॉर्टेस्ट एलिमेंट्स हैं. और सेकंड इसका जो पीरियड है 2 एंड 3 ये भी शॉर्ट है. इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं ये क्या है लॉन्ग है 18 एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं. 6 पीरियड क्या है लॉन्गेस्ट है 32 एलिमेंट्स इसके अंदर. और 7 क्या है इनकम्प्लीट है 32 एलिमेंट आते हैं. 17 का पीरियड है जो अभी तक जो गैप्स छोड़े गए थे एलिमेंट्स तकरीबन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी तो तकरीबन एलिमेंट्स नाउन हो चुके हैं
लेकिन अभी उनकी जो प्लेसमेंट थी वो नहीं रखी गई, इस वजह से इनकम्प्लीट है एडमिट टेबल के अंदर एडमिट्स को, जिसकी वजह से ये क्या है इनकम्प्लीट है। अब देखें इसके अंदर क्या कहते हैं, जो टू एंड थर्ड पीरियड के अंदर देखें, जो टू एंड थर्ड पीरियड के अंदर जो एट एलिमेंट्स है उसकी जो खसूसियात हैं वो कॉमन किसके साथ हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हैं कॉमन हैं। और इसी तरह फोर्थ एंड पीरियड लॉन्ग पीरियड के अंदर देखें, जो एवरी 18 एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उसकी एलिमेंट्स की जो 18 नंबर का एलिमेंट है उसकी फर्स्ट जो होगा उसके पीरियड के अंदर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा उसके साथ क्या होगा उसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। इसी तरह ये जो मिलती जुलती हैं यहाँ पर आपकी बुक में बताया गया है कि जो टू एंड थ्री के अंदर एलिमेंट्स हैं इनकी क्लोजेस्ट जैसे क्लोरीन इन सेकंड पीरियड हैज क्लोजेस्ट रेजोनेंस विद क्लोरीन। क्लोरीन क्या है कि उसकी जो खसूसियात हैं वो क्लोरीन के साथ मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि उसी ग्रुप के अंदर है जहाँ पर क्लोरीन था और क्लोरीन उसके नीचे उसी ग्रुप के अंदर अरेंज किया गया। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं कार्बन। इसी तरह जो 18 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर क्या बताया गया है कि जैसे आप देखें पोटेशियम उसका एटॉमिक नंबर क्या है 19 है। अब उसी तरह रुबिडियम का यहाँ पर 37 बताया गया। इनकी दोनों की खसूसियात क्या थी, सेम थी, इस वजह से ये क्या हुआ इनका जो एक ही ग्रुप के अंदर नंबर आया। अब देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन थी कितनी एडजस्ट आई कि हर एलिमेंट्स जो एक दूसरे के ग्रुप के अंदर नीचे आ रहा है वो क्या है उसकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब देखें जी पीरियड नंबर 6 के अंदर देखें क्या बताया गया, 42 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं और 8 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। फ्रेंड क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और न्यू सेट ऑफ रिमार्केबल सिमिलर 14 एलिमेंट्स कौन से हैं, लैंथेनाइड्स के हैं। 14 एलिमेंट्स किसके हैं, लैंथेनाइड्स के। और जो स्टार्ट होते हैं लैंथेनाइड 57 एटॉमिक नंबर है यहाँ पर टेबल के अंदर एल ए उसकी सिंबल बताया गया लिखी गई है। लैंथेनाइड है रिमार्केबल सिमिलर प्रॉपर्टीज आर यूनिकली शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। जो लैंथेनाइड थी उसकी खसूसियात सेपरेट से अलग थी, उसको बॉटम नॉर्डन पीरियोडिक टेबल के बॉटम में अलग से बताया गया। अब देखें ये थे कुछ इसकी खसूसियात। अब देखें इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, इसकी दो तीन ये दो क्लासिफिकेशन हमने बताई है इसकी बेस पर एटॉमिक नंबर की बेस पर। अब इसकी जो खसूसियात एक दूसरे एलिमेंट की मिलने की वजह से और एक दूसरे जो एलिमेंट से नहीं मिल रहे उनको अलग अलग ग्रुप की ग्रीन की गई जैसे मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन से ग्रुप्स जो एक दूसरे के साथ तकरीबन सेम थिंग हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड के अंदर। अब देखें ग्रुप नंबर 1A एंड 2A यहां पर। अब ये जो ग्रुप हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीथियम फ्रांसियम ये देखें एक ग्रुप जो हाइड्रोजन को तो पेस ऑफ आउट किया गया ग्रुप के बाहर ऊपर टॉप पे रखा गया। इसकी कुछ रीजन है इसकी जो क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे हमारा ये टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर वहाँ पर हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम। आप देखें जैसे बात एट के अंदर हमें की थी कि पोटाशियम का क्या है 19 एटॉमिक है, इसी तरह इसका हमने कंसेम चेक किया है रुबिडियम का। आप देखें इसकी खसूसियात के होने की वजह से ये वन ग्रुप के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप देखें इसकी जो ग्रुप की ग्रीन है मेटल नॉन मेटल। आप देखें ये जो ग्रुप है 1A इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो हैं मेटल पर मिले हैं 1A 2A ये अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप
टू ए ग्रुप अल्कलाइन मेटल है। अब इसको याद रखने के लिए जो आपने पिछली क्लास के अंदर जो डिस्कस जो फॉर्मूला अपनाया हुआ है, हाल ही में की रब से यार बाप मांगे कार से बोल बाप होए, ये चीज इसकी क्या याद करने के लिए आसान ट्रिक्स हैं। अब देखिए इसकी अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, ये जब आप देखें सोडियम है इसको रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो ये बेस बना देता है NaOH। अब देखें ये जो बेस बनाने की वजह से क्या है, इसको क्या कहते हैं, बहुत रिएक्टिव है, बेस बना देता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, ये इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कलाइन ऑफ मेटल को क्यों कहते हैं, Na2O, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में हेंट्री पे क्या कहते हैं मोस्टली पाए जाते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये थी मेटल के बारे में। अब जो ग्रुप नंबर 3B से 8B तक, 3B और 8B प्लस जो 1B और 2A प्राइमरी टेबल के लास्ट राइट साइड पे लिखे गए हैं, वहां तक ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाती है, वो भी मेटल्स हैं। आप देखें मेटल्स की ये अलग से हम टेबल देखते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या है, मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल ग्रुपों से हैं वो मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इन ग्रुप ए मेटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब हम इसमें जो डी सब ग्रुप है उसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, वो ट्रांजिशन चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर ग्रुप ए 1A 2A 3A से जो 8A तक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देखें फर्स्ट ए को अल्कली मेटल कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अल्कली मेटल क्या है कि ये जब वाटर से मिलती हैं तो ये क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, जिसकी वजह से अल्कली मेटल इन्हें कहा गया। अब ये डायरेक्ट मैग्नीशियम कैल्शियम ये जो मेटल है टू ए तो ये क्या करता है कि अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर अबंडेंट प्रेजेंट हैं, मोस्टली प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए यहाँ से आगे क्या होता है, नॉन मेटल का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है 3A से। अब देखें ये तमाम जो गैसेस हैं, अब ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली के क्या है, नॉन मेटल। अब इनकी जो खसूसियात है, आप मेटालाइड के बारे में हम पहले चेक करते हैं, मेटालाइड कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, ये जो मैंने बोर्ड किया है ये सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये स्टीनियम और ये जो प्लैटिनियम है, ये जो एलिमेंट्स हैं जो बोर्ड किया गया है यहाँ पर, इनको क्या कहते हैं मेटालॉइड, इनकी खसूसियात क्या है, मेटल की तरह भी हो सकती है और नॉन मेटल की तरह भी हो सकती है, इनको क्या कहते हैं मेटालॉइड कहते हैं। अब देखें बाकी जितने भी हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स के अंदर आती हैं। हम यहाँ पर जो इसके अंदर फैमिलीज के बारे में आप ये बुक में बताया गया है कि सबसे पहले क्या है अल्कली फैमिली है, इसके बारे में बताया गया, दूसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताया गया है, और हैलोजन फैमिली, ये क्या है हैलोजन फैमिली, तीन नंबर में ऐसी ऑक्सीजन है, हम देखें ये मुख्तलिफ नेम दिए गए, जब हैलोजन क्या क्या है कि जब भी किसी के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट फॉर्मिंग बनाते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज ग्रुप
7a करता है। जब भी ये क्या करते हैं कि ड्यू टू देयर शॉर्ट ऑफ हैलोजन लैम्स एलिमेंट्स ऑफ डी नेमा ऑफ हैलोजन इज नेम टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7a ड्यू टू देयर शॉर्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज एट डी गैसेस ऑफ ग्रुप ए ग्रुप 8a ये क्या है नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव हैं नोबल इन्हें इसकी वजह से कहा गया है। ये थे जो एलिमेंट्स के अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं जितने ही आपका एड्रेस कर सकते हैं नॉन मेटल मेटलॉइड्स को कौन कौन सी फैमिली से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कुछ ये थी। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे ब्लॉक्स एंड यूनिट्स के अंदर नॉन मेटल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखें जो ब्लॉक्स यहाँ पर दिए गए ब्लॉक्स इन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लॉक्स के बारे में तो कौन से ब्लॉक्स के अंदर चार इसकी लीन है ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स इसकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी डिवीजन ब्लॉक्स की बेस पर भी की गई है। एस ब्लॉक का नाम दिया गया डी ब्लॉक का और पी ब्लॉक का और ये जो एस ब्लॉक है ये आपको सबसे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखें एस ब्लॉक नजर आएगा वन एस वन ए ग्रुप और टू ए ग्रुप डी ब्लॉक जो डी ग्रुप जितने भी हैं सब ग्रुप उसकी जितने भी हैं वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट पर मशहूर है और पी ब्लॉक क्या है जो हमने 3a से आगे स्टार्ट किया 7a तक वो क्या है पी ब्लॉक के अंदर आता है जो बॉटम ऑफ टेबल क्रेडिट टेबल के अंदर आपको सीरीज बताया गया उसको क्या नाम दिया गया है एम ब्लॉक। अब इसको जो नेम देने की रीजन थी वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक है जैसे हमने पढ़ा है कि सोडियम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो उसका जो ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली आफ्टर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हवाले से दी गई है कि जो भी लास्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट के अंदर आ रहा है एस के अंदर या डी के अंदर आ रहा है पी के अंदर आ रहा है उस वजह से इसकी क्लासिफिकेशन की गया है। फार्मूला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है इसकी हम क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लास्ट पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया ये 3s1 के अंदर आया इस वजह से ये s ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। आप दूसरे ग्रुप से देख लेते हैं मैग्नीशियम क्या कहते हैं कि बेरिंग ले लेते हैं बी इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4 आप देखें इसकी जो भी आया लास्ट पे कौन सा है एस ऑर्बिटल ऑर्बिटल के अंदर लास्ट पे जो इलेक्ट्रॉन आए इस फील्ड के हैं एस ऑर्बिटल इस वजह से इसको जो ग्रुप नंबर 1a 2a है इसको एस ब्लॉक का नाम दिया गया। इसी तरह जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है डी ऑर्बिटल के अंदर आता है जिसकी वजह से डी ब्लॉक का नाम दिया गया। इसी तरह ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ये लास्ट पे हैलोजन फैमिली हमने डिस्कस की है ये भी जो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा पी ऑर्बिटल के अंदर आएगा। इसी तरह एफ एफ ब्लॉक के अंदर भी यही प्रोसेस है जिसकी बेस पर इन्होंने जो डिवीजन की है ब्लॉक्स के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये शो किया गया है। आपने बुक्स लेनी है वहाँ पर चेक करना है ये ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक इसी तरह जिस तरह मैंने लिखे हैं इसी तरह आपकी बुक में बने हुए होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो ये था आपकी जो क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा सबसे पहले क्लासिफिकेशन की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक असेंडिंग ऑर्डर एलिमेंट के रैंक की है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक
नंबर की बेस पर। दूसरा हमने डिस्कस किया गया है पीरियड्स ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके अंदर जो शॉर्टेस्ट शॉर्ट शॉर्टेस्ट लॉन्ग लॉन्गेस्ट और ये जो पीरियड्स थे ये कितने कितने एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल थे, 2, 8, 18, 32 और इनकम्प्लीट था जो लास्ट पे था। इसी तरह जो लेंथनाइट एक्टिनाइट की जो सीरीज है ये बॉटम पे हमने डिस्कस जो टेबल के अंदर डिस्कस की है। और जो तीसरी बात हमने पढ़ी है वो क्या थी कि मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया किया ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया है एलिमेंट के अरेंजमेंट ब्लॉक्स के अंदर कैसे हुई। उसकी रीजन बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसकी जो क्या कहते हैं जिस एस ब्लॉक के अंदर अगर एस एस ऑर्बिटल के अंदर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया तो उसको उन्होंने एस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट को रखा, जो डी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आया तो उन्होंने डी ब्लॉक के अंदर रखा, और इसी तरह डी और एफ के बारे में हमने आज पढ़ा है। तो ये तो आपका आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मॉडर्न पैरेडिक टेबल, कल हम पढ़ेंगे पैरेडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।